मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है बांग्लादेश जैसी गलती यहां ना करे। सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। बांग्लादेश जैसी गलती यहां ना की जाए, बटेंगे बंटवारा होगा तो कट जाएंगे, वो किसी के भी हित में नहीं रहेगा। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर बड़ी घोषणा की है, कहा राजस्थान और एमपी की सरकारें मिलकर बनाएंगी श्री कृष्ण गमन पथ। सीएम ने डी के श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर उनके उज्जैन तक गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। गमन पथ के सभी मंदिरों को जोड़ते हुए धार्मिक सर्किट बनेगा, धार्मिक सर्किट का विकास किया जाएगा। आज इस ब्रज भूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, ये मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए और वो शिक्षा के लिए संदीपन गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे, आज मैं जिन रास्तों से वो गए थे, यहां से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुंचे थे, आज हम श्री कृष्ण गमन पथ उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय, आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण कर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।